एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई एम डाइटिशियन संध्या श्राफ आई होप सो एवरी वन इज़ डूइंग गुड एंड ग्रेट आई नो मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया है लेकिन अब मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोज़ को कंसिस्टेंटली मैं अपलोड करती जाऊँ सो स्टे ट विथ मी वेल आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी एंड नॉन कुकिंग रेसिपी के बारे में बात करेंगे जो कि बनाने में बहुत इजी एंड टेस्टी भी है एनी गेसेस मैं किसकी बात कर रही हूँ वेल मैं स्प्राउट की बात कर रही हूँ स्प्राउट यस आई एम टॉकिंग अबाउट स्प्राउट कि लोग सुनते ही स्प्राउट कि बहुत ही बोरिंग होगा या फिर टेस्टी नहीं होगा लेकिन आज मैं आपको स्प्राउट्स को थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी एंड स्प्राउट्स इंटरेस्टिंग के साथ साथ इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है एंड इसलिए इसे सुपर फूड भी बोलते हैं रीज़न क्योंकि रिच इन प्रोटीन है रिच इन एंटी है रिच इन मिनरल्स है रिच इन है रिच इन फाइबर है एंड रिच इन फाइबर होने के कारण ही और इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होने के कारण ही ये हमारे बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट देता है लाइक like ये रिच इन फाइबर है तो वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है देन डायबिटीज़ को क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है पी को क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है थारॉइड पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एंड ये बहुत ईजिली डाइजेस्टिबल भी होता है रिचिन एंटी ऑक्सीडेंट है तो हमारी बॉडी से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं सौ so, हम चलते हैं कि हम अपनी स्प्राउट्स को कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं सब so, चलो देखते हैं हम लोग तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉटेंट चीज़ है वो है हमारा बाउल क्योंकि हम इसी में तो सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी मूंग दाल लिया है और खड़ी मूंग और उसके बाद मैंने यहाँ पे काला चना लिया है एक कटोरी जिसको देसी चना भी बोलते हैं इन दोनों को मैंने दो दिन पहले ही स्प्राउट करना स्टार्ट कर दिया था इसलिए इनमें स्प्राउट्स अच्छे आ गए हैं देन मैंने यहाँ पे पंद्रह ग्राम मूँगफली के दाने लिए हैं इनको रोस्ट कर लिया था और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देते हैं क्रंची टेस्ट देते हैं देन मैंने यहाँ पर आधा चम्मच प्याज लिया है उसके बाद एक एक से दो चम्मच मैंने यहाँ पे देसी टमाटर लिए हैं हम स्प्राउट्स में जितने भी वेजिटेबल ऐड करेंगे वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए उतना अच्छा है देन मैंने यहाँ पे एक कटोरी खीरा लिया है मैंने इसको पील नहीं किया है देसी खीरा था तो ये फाइबर का इंटेक और बढ़ाता है हमारे स्प्राउट्स में देन मैंने यहाँ पर एक कटोरी एप्पल लिया है और एप्पल वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है देन ये थोड़ा सा स्प्राउट में स्वीटनेस भी ऐड करता है देन मैंने यहाँ पे आधा चम्मच मिर्ची लिया था और एक चम्मच कोरिएंडर लिया था मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल भी एडजस्ट कर सकते हो देन मैंने अच्छी सीजनिंग के लिए मैंने इसमें रोस्टेड ज़ीरा लिया था एक चम्मच जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है उसके बाद मैंने यहाँ पे चाट मसाला एक चम्मच ऐड किया है उसके बाद मैं यहाँ पे काला नमक यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काले नमक के बेनिफिट ये भी हैं कि इसमें मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं लाइक सोडियम एंड पोटाशियम इसमें ऐड हो जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है देन एक्स्ट्रा क्रंचनेस के लिए मैंने हाफ टी स्पून पम्किन सीड लिया है देन हाफ टी स्पून मैंने फ्लैक्स सीड की लिया है दोनों ही ओमेगा थ्री के बेस्ट सोर्स हैं और इनको मैंने रोस्ट करके लिया था उसके बाद अपने स्प्राउट्स को थोड़ा सा और टैंगी और थोड़ा सा और टेस्टी के लिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच नींबू का रस ऐड किया है उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और भी अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो और स्प्राउट्स करने का एक और बेनिफिट होता है इसमें से एंटी न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं और सिर्फ अच्छे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है सो अब हमारा ये स्प्राउट रेडी हो गया है ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है टेस्ट में भी उतना ही अच्छा था देखा कितना इजी है एंड कितना फीलिंग है एंड बहुत जल्दी ये बन भी जाता है तो आप सभी लोग ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा एंड और... do लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब my चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड मुझे फॉलो करते रहिए सो बी हैप्पी बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय